press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने अब हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। कल मैंने वडाला में राम मंदिर भी मैंने विजिट किया। अभी मैं फिलहाल 4 दिनों से महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ की हर एक मंदिर में जाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है और काफी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही पुण्य काम कर रही हैं इस वक्त। याद रखिएगा, मंदिरों में वही जाते हैं जिनको की भगवान बुलाते हैं। बाकियों को न्योते मिल जाते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो वही खुशकिस्मत है जो मंदिर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें भगवान ने बुलाया होता है। तो आप इस वक्त बहुत पुण्य का काम, आप बहुत पुण्य का काम कर रही है। लेकिन ये बताइए, ये जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, ये फिर से मुगलों के काल में चली गई, जजिया कर वसूलने लगी है मंदिरों से, 10% इनको मंदिरों का दान चाहिए। हाँ जी, आज सुबह जैसे ही आंख खोली मैं महाबलेश्वर से रिटर्न आने के बाद, तो देखा कि हेडलाइन में चल रहा है कि जजिया लागू हो गया। हमने अल कुरान में पढ़ा था कि हर एक मुसलमानों पर और इस्लाम के मानने वालों पर और अशरफुल मखलूकात पर, मोमिन और मोमिनात पर फितरा, जकात, जजिया जायज है। और कई बार ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ बैठ करके कहा है कि जो कोई भी जजिया फितरा जकात ना दे वो अशरफुल मखलूकात में नहीं आता है। पर कर्नाटका के भाई की कांग्रेस की सरकार जजिया लागू कर रही है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ शॉकिंग होना चाहिए। मुझे और आपको तो शॉकिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुगलों के पैर को चाटने वाला कांग्रेस, मुगलों के रूल रेगुलेशन को दलाल की तरह फॉलो करने वाला कांग्रेस, मुगलों के कहे हुए और लिखी हुई बातों को लेकर चलने वाला कांग्रेस, मुगलों के दिमाग में कांग्रेस मुगलों की बातों को अपने एमओयू में लिख करके चलने वाला कांग्रेस, आज अगर जजिया लागू किया है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ दिन पहले हमने उसी बजट सेशन में ये क्या नहीं पढ़ा था कि 100 करोड़ रुपया वक्फ प्रॉपर्टी के लिए और उन बच्चों के लिए जो मदरसे में पढ़ते हैं, वो भी तो हुआ था बजट में। और उसकी बहुत बड़ी न्यूज नहीं बनी, हालांकि बहुत बड़ी न्यूज बननी चाहिए थी कि वक्फ बोर्ड तो ऐसे ही लैंड माफ किया है और वक्फ बोर्ड के जो जितने भी कर्ता धरता हैं वो अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं कि 200 करोड़ से ऊपर पैसा सालाना वक्फ बोर्ड को आता है, जो अब 16 करोड़ और 18 करोड़ में बदल गया है, जिससे उनको काफी परेशानी हो चुकी है। फिर भी कर्नाटका के कांग्रेस की सरकार 100 करोड़ रुपया बजट में वक्फ बोर्ड और मुल्ला बनाने के लिए उन्होंने समर्पित किया है। अब आती है बात कि ये देखना और समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर मंदिर के चंदे की जरूरत कांग्रेस को पड़ी क्यों है, ये बहुत समझना जरूरी होगा। देखिए, हमेशा से कांग्रेस की सरकार ने और गांधी परिवार ने मुसलमानों को और ठरके आजम और जाहिले आजमों को सबसे ज्यादा रोटी बोटी और छत दिया है और प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों को सामने रख करके और मुसलमानों से जिहाद करवा करके ही वो सत्ता पर रूल कर सकते हैं। और यही काम नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक ने किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि सोनिया गांधी ने कभी जीन्स नहीं पहना, मैं मानती हूँ कि इटली की होने के बावजूद भी उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट्स को कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन साड़ी में वाइन का ग्लास तो पकड़ा है ना, साड़ी में चिंकी लोगों के साथ और चाइनीज ब्यूरोक्रेट के साथ और चाइनीज की सरकार के साथ खड़े होकर के जाम से जाम चेयर्स तो किया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभ्यता, ये संस्कार तो वही मिट्टी में मिल गई जब उन्होंने साड़ी में जाम का ग्लास पकड़ा। अब आती है बात के जितने भी अरब ममालिक हैं, अंजू जी, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान और भारत में जो चंदा मुस्लिम मुल्क भेजते थे
वो उन्होंने बिल्कुल भी खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई भी मदरसे का चंदा, किसी भी तरीके का कोई भी मसाजिद का चंदा अब मुस्लिम ममालिक नहीं भेजेगा, ना भारत को भेजेगा और ना ही पाकिस्तान को भेजेगा। अब हम सबको पता है कि भारत में मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली 90 लाख से ऊपर मंदिर है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पता है, सीरिया को नहीं पता है, अफगानिस्तान को नहीं पता है, हम सबको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 90 लाख से कुछ ऊपर हमारे भारत में मंदिर है, पर उसमें से 40 लाख मंदिर है अंडर गवर्नमेंट है, अंडर गवर्नमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सरकार के अंडर कंट्रोल जो मंदिरें हैं उनका चढ़ावा तो सरकार उसका भरपेट फायदा उठा लेता है, लेकिन क्या वजह है कि मस्जिद, मजार, मदरसा, इमामबाड़ा, ऐसी चीजों, शाही ईदगाह, इनको भी तो 1947 से लेकर के 2013-14 तक, इवन मैं 15-16 भी पकड़ लूंगी, 16 तक का डेटा तो गूगल में दिखाई दे रहा है। अरब कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से तो चंदा आ रहा था, भीख आ रहा था, जिसको अरबी में चेंज कर देंगे तो फितरा जकात आ रहा था, फितरा जकात अरबी में और भीख और चंदा आपका नॉर्मल लैंग्वेज में। तो आखिर सरकार ने, राज्य सरकार या सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी इनको क्यों नहीं अपने अंडर कंट्रोल किया है, क्यों नहीं किया है, ये तो जानना बहुत जरूरी है भाई। पुरोहित जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, वो तो एक गमछे में रहते हैं। मैं कल भी गई हूँ राम मंदिर, एक गमछे, मामूली गमछे में थे और वहां से निकल करके ऑटो रिक्शा पर गए हैं मेरे आंख के सामने। लेकिन इमाम बुखारी तो रेंज रोवर पर चढ़ते हैं, असदुद्दीन अवैसी तो चुटकी दाढ़ी रख करके और शेरवानी पहन करके, वो तो भाई तीन तीन बंगले का मालिक है। तो आखिर ये बात कब हमारे भारत की सरकार को और तमाम राज्य सरकार को समझ में आएगी कि भाई मस्जिदों में भी बहुत पैसा है, इमामबाड़े में भी बहुत पैसा है, मजारों में भी बहुत पैसा है, शाही ईदगाह में भी बहुत पैसा है। आप अजमेर शरीफ मजार चले जाइए, अरबों खरबों रुपए का इनकम एक दिन में है। आप माहिम दरगाह चले जाइए, अरबों खरबों का इनकम एक दिन में है। तो आखिर ये सारे मजारे और दरगाह जो है ये कब आएंगी अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल कब करना स्टार्ट करेगा? ये तो बहुत बहुत सोचने वाली बात है। अब ये जो कर्नाटका की सरकार ने जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल अमेंडमेंट बिल पास किया है, इन्होंने सब क्लॉज अंडर सेक्शन 25 बताया है। इस क्लॉज के तहत इस नए अमेंडमेंट कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट क्लॉज के तहत अगर मंदिरों में 1 करोड़ रुपए आ रहा है दान चढ़ावा, तो उसमें से 10% मतलब के 10 लाख रुपए कॉमन पूल फंड में देना पड़ेगा। और ये कॉमन पूल फंड सेक्शन 90A के तहत उन रिलीजियस को, उन लोगों को मदद करेगा जो गरीब हैं। गरीब कौन है? और ये और गरीब गरीब कांग्रेस की नजर में कौन है? कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि ये हम सबको पता है कि चर्चों को भीख नहीं चाहिए होती, हम सबको पता है ये भीख मुसलमानों को चाहिए होगी। अब सोचिए कि अब भारत सरकार से लेकर के अलग अलग राज्य भी मुल्ला बनाएंगे, मौलवी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, कारी बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे। भाई सरकार से हम इल्तिजा करते रहते हैं कि मुसलमान बेटियों को आईपीएस बनाइए, आईएएस बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, जज बनाइए। लो भैया, यहाँ तो पूरी तैयारी है और जिहादियों को बनाने की, और टेररिज्म माइंड को बनाने की, और आईएसआई एजेंट्स को बनाने की। मुझे तो लग रहा है कि आधा देश हमारा भारत पूरा का पूरा पाकिस्तान के इशारे पे चल रहा है और आधा देश भगवान राम के कर्तव्य पे पालन कर रहा है। तो यह अखंड भारत कब बनेगा? पार्लियामेंट के अंदर हमारे गृह मंत्री ने बिल्कुल कहा कि पीओके पर 24 सीटें उन्होंने रिजर्व की, और हमने इस बात को कलेजे में चिपकाया, हमने इस बात पर ये सोचा कि अब चलो हमारा भारत अखंड भारत होगा। मैंने तो चौराहे रोड पर कह दिया कि
कि हमें राज्य पीओके ले रहे हैं, हमें आवाज उठानी चाहिए लाहौर लेने की, क्योंकि वो भी प्रभु कुश का बसाया हुआ है। बिल्कुल। तो अब ये जो कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो नया मॉडल मॉडर्न जजिया जो जारी किया है, मॉडर्न जजिया भीख जो जारी किया है, इस पर कितने पीआईएल जाने चाहिए? मेरे ख्याल से कम से कम भी तो 1 लाख पीआईएल अब तक जमा हो जाना चाहिए था। दो चार लोग ही क्यों सामने आएंगे सर? भारत के वो लोग सामने क्यों नहीं आएंगे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, जो आश्रम में पढ़ते हैं, जो हिंदी हिंदी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हिंदी कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी कहें कि अब सरकार हमें भी पंडित बनाए, अब सरकार हमें भी पुरोहित बनाए, अब सरकार हमें भी आचार्य बनाए। अब ये सरकार को बनाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, खासकर कांग्रेस का असली चेहरा दिखाया कि कैसे कांग्रेस अपनी गेम कर्नाटका में खेल रही है और कैसे हिंदुओं का विरोध हो रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।